Yes, good afternoon children. कैसे हो सब? अच्छे हो? रियली आपको बहुत मिस कर रही हूँ. आप कैसे, कितने कितने बड़े हो गए, सब देखने के लिए बहुत ये हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है. ओके यस, हम जल्दी मिलेंगे. ओके यस, हमारा लेसन नंबर 6 हो रहा है ना बेटा, 6 चालू है. तो अपना लेसन नंबर 6 चल रहा था, एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया था. मैंने आपको बताया था कि क्या है ये एक्सरसाइज, में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी करके, है ना. सो अभी उधर पेज नंबर आपको 31 निकालना है. पेज नंबर 31 में वो पिंक बॉक्स में जो दिया है वो पॉइंट अपना लास्ट बाकी था, है ना, थोड़ा सा बाकी था. वो चैप्टर फिनिश हो गया लेकिन उसमें का एक फैक्ट, एक पॉइंट बाकी है. सो डू यू नो कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी एंड लैक ऑफ एजुकेशन फॉर वीमेन वेयर सम ऑफ द बिग ऑब्स्टेकल्स इन अवर सोसाइटी. देखो अपने सोसाइटी में का बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स ये रहता है कि क्या है, कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जात का वो जो भेदभाव रहता है ना, वो ऊपर का जात वाला नीचे का जात वाला ऐसे, हाँ. एंड जेंडर इनइक्वालिटी, वैसे ही गर्ल्स बॉयज डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, वो भी है एक. और लैक ऑफ एजुकेशन मतलब पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम रहता है. उसके वजह से क्या होता है, एजुकेटेड नहीं रहा अगर, हाँ, तो क्या होता है, नौकरी नहीं मिलता है. नौकरी नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना. फिर सोसाइटी में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है. और महात्मा ज्योतिराव फुले, राजश्री साहू महाराज, हाँ, एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ट्राई टू गेट रिड ऑफ दिस ऑब्स्टेकल्स. ये जो बोला है ये सब है ना, इसको बैन करने के लिए ऐसे हमें बताया है, ये सब बैन करने के लिए कोशिश किया है. सावित्री बाई फुले हैड टू फाइट ए ग्रेट बैटल फॉर विमेन्स एजुकेशन. और एक लेडी भी है जिन्होंने लेडीज एजुकेशन के लिए बहुत ये किया, मतलब लेडीज को एजुकेशन देना है बोलते उन्होंने बहुत ये किया है. हर कॉलीग फातिमा शेख प्रोवाइडेड हर विद वैल्यूएबल असिस्टेंस इन दिस फाइट. सावित्री फुले की एक फ्रेंड होती थी, क्या नाम है उसका, फातिमा शेख, हाँ, मुस्लिम, एक मुस्लिम लेडी, हाँ, उन्होंने ये सावित्री बाई फुले को बहुत हेल्प की है. ओके, उसके लिए. और महर्षि दोंदो केशव कर्वे ऑल्सो डिड ग्रेट वर्क टू प्रमोट विमेन्स एजुकेशन के लिए. और किसने किया, महर्षि दोंदो केशव कर्वे, जिन्होंने भी बहुत फाइट किया है, मतलब लेडीज को एजुकेशन प्रमोट करना है, लेडीज को एजुकेशन देना है करके. और द वर्क ऑफ ऑल दीज सोशल वर्कर्स वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन आवर सोसाइटी. ये जो लोग हैं इनके ये जो हार्डवर्क, उससे क्या हो गया, अपने सोसाइटी में बहुत चेंजेस आ गया, मतलब लेडीज को एजुकेशन देने में अभी खूब आगे है. ओके, नाउ अभी व्हाट वी हैव लर्न, अभी इस लेसन में से हमने क्या सीखा है. ओके, रूल्स मेड फॉर पीपल आर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. पीपल के लिए, सोसाइटी के लिए जो रूल्स बनाते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, वो एक बात है. और रूल्स इन द ओल्डन डेज वेयर इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड सोशल कस्टम्स. Rules in the olden days were in the form of religious traditions and social customs. जो rules जो है
वो कैसा था, ओल्डन टाइम में पुराने जमाने में वो सब अपना कस्टम्स जो है, कस्टम्स अपने जो ऐसे पर्टिकुलर जात वालों का, मतलब अपने अपने जात में, हिंदूस को हिंदूस का वो जो कस्टम्स रहता है, कि क्रिश्चियन को क्रिश्चियंस का कस्टम्स रहता है, और मुस्लिम्स को मुस्लिम्स का कस्टम्स रहता है, उसके हिसाब से वो कस्टम्स एंड ट्रेडिशन रहता था। वो अभी रूल्स, वो रूल्स भी था उसी टाइम में पुराने जमाने में। और लॉस आर मेड टू कम्बैट इन ह्यूमन एंड अनडिसायरेबल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। लॉस आर मेड टू कम्बैट इन ह्यूमन एंड अनडिसायरेबल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। लॉस बनाया है, रूल्स मतलब नियम है, क्या है, जो अनडिसायरेबल नहीं तो इनह्यूमन, जो लोगों को जो प्रॉब्लम होता है, ऐसे लॉस एंड रूल्स जो है ना, वो क्या करना है, कम्बैट करना, मतलब उन ऐसे रूल्स को क्या करना है, बैन करना है। ओके, यस। जैसे एग्जाम्पल बोले तो सती और चाइल्ड मैरिज, ये सब है उसमें, वो सब बैन किया हुआ है ना, यस। नाउ वी आर कमिंग टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। नाउ यू हैव टू सी पेज नंबर 31, अगेन आई एम टेलिंग, पेज नंबर 31, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, नंबर ए, our society works according to certain dash, our society works according to certain dash, dash mein kya hai, apne society kuch cheezon ke upar work karte hai, kya hai wo, yes, rules, a rules, rules ke upar chalta hai, hai na, are you alias rules. Second number, B number, the constitution of independent India abolished, kya hai, the constitution of independent India abolished the custom of untouchability. B number, the custom, C-U-S-T-O-M, custom of untouchability. The custom of untouchability को abolish किया, okay? Independent India, जब India को independence मिला, तो वो untouchability को abolish किया, मतलब vanish किया, यानी निकाल दिया. Then, C number, wrong customs and traditions cause the dash of some sections of society. Wrong customs and traditions cause the dash of some sections of society. Society is, क्या करने से अपने सोसाइटी का क्या है, ये कस्टम और क्या है ट्रेडिशंस, उसको ये होता है, डिस्टर्ब होता है, वो ऐसे करने से अपना ट्रेडिशंस और कस्टम्स जो है ना, वो डिस्टर्ब होता है, क्या करने से, यस इट इज सी नंबर, नेग्लेक्ट, NEGLECT, नेग्लेक्ट करने से, अगेंस्ट करने से. Okay. Question number 2. Answer in one sentence. Good morning. Answer in one sentence. Number A. Why are rules made? Rules क्यों बनाया है? Rules को क्यों बनाया है? हाँ? Answer. रूल्स इसलिए बनाया है, विच वैल्यूज हैव बीन ए पार्ट ऑफ अवर सोशल लाइफ सिंस रूल्स आर मेड टू स्पेसिफाई ईच पर्सन्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये रूल्स है ना,
क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है कि हर एक इंसान का ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। रूल्स क्यों बनाया है, क्योंकि रूल्स ये बताता है कि हर एक इंसान के ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ पे, उनके उनके सोसाइटी में। ओके, यस, रूल्स आर मेड टू स्पेसिफाई ईच पर्सन्स ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। नेक्स्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, विच वैल्यूज हैव बीन ए पार्ट ऑफ अवर सोशल लाइफ सिंस एंशियंट टाइम्स। Which values have been a part of our social life since ancient times? कौन सा values अपना social life का एक part था पुराने जमाने से? पुराने जमाने से कौन सा part अपने social कौन सा values एक अपने social life के part था? कौन सा values? Answer, the values of non-violence and peace. The values of non-violence and peace have been a part of our social life since ancient times. Okay, the values of peace and non-violence. Okay, the values of peace and non-violence and peace have been a part of our social life since ancient times. Ancient time मतलब पुराने जमाने से लेके अपने life का एक part था वो। Next, C number. Number C, what are the big obstacles in our society? What are the big obstacles in our society? अपने society में का बड़ा बड़ा problems हम face करते हैं वो क्या क्या है? आंसर बोल सकते हैं क्या? यस, केस उसमें आपको आंसर आता होगा लेकिन बोलने के लिए आपको प्रॉब्लम है ना, तो आधा आंसर क्वेश्चन में है तो आपको क्या है, ज्यादा बड़ा बड़ा आंसर बोलने का काम नहीं, आधा आंसर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा सेंटेंस डालना पड़ेगा। ओके, अपना व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट आर द बिग ऑब्स्टेकल्स इन आवर सोसाइटी, ये पेज के ये सेम पेज के पेज में ही आंसर है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी एंड लैक ऑफ एजुकेशन फॉर विमेन, है ना। व्हाट आर द बिग ऑब्स्टेकल्स इन आवर सोसाइटी? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी एंड lack of education for women, ये three चीजें क्या है, are the big obstacles in our society. Okay, so second number also over. Now coming to the third question. Coming to the third question. Third question, see. Question number A, which unjust customs have been banned by law? Unjust, कौन सा unjust customs को हम ban किया गया है? कौन सा है जो हम अपने को accept नहीं कर सकते थे, ऐसे कुछ customs को हमने ban किया है, निकाल दिया है, वो कौन सा कस्टम्स है? कौन सा कस्टम्स है? सती है और चाइल्ड मैरिज है। दिस अनजस्ट कस्टम्स हैव बीन बैंड बाय लॉ, सती एंड चाइल्ड मैरिज, सती एंड चाइल्ड मैरिज आर द कस्टम्स हैव बीन बैंड बाय लॉ। ओके, then now next question B, why do we need to make laws for the protection of the environment?
why do we need to make laws for the protection of our environment? environment को protect करने के लिए हम क्यों laws बनाना है, उसके लिए क्यों laws का जरूरत क्या है? Okay, so answer, natural resources, natural resources should be available in enough quantities for the needs of our future. अपने एनवायरनमेंट में क्या है, अपने को जितना चाहिए उतना क्या है, इनफ क्वांटिटी, उतना क्वांटिटी में हमारे नीड्स के लिए, अपने अपने हमारे लिए जितना चाहिए उतने क्वांटिटीज अपने एनवायरनमेंट में है, अपने फ्यूचर के लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए भी है, अपने नेक्स्ट जेनरेशन के लिए भी है. तो अगर हम ये एनवायरनमेंट को हमने गुड मॉर्निंग नहीं किया तो क्या होता है, ये सब खराब होता है ना, जल्दी खराब होता है ना. इसलिए हम क्या करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए लॉज बनाना है. सो आंसर, नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल इन इनफ क्वांटिटीज फॉर द नीड्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन. देयरफॉर वी मस्ट कंसर्व दीज natural resources. For the conservation of environment, we need to make laws for the protection of the environment. अब हमारे लिए जितना सही उतना है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, अपने आगे की आने वाले जो generation है उनके लिए भी है. And अगर हम ये natural resources को waste कर रहे तो फिर वो जल्दी ख़त्म होता है और आगे की life के लिए नहीं रहता है. इसलिए हम क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, और उसके लिए लॉस बनाना पड़ेगा. ओके, यस, दैट इज द थिंग. ओके, नाउ हमारा सिक्स्थ लेसन पूरा कंप्लीट हो गया. ओके, और आज का टाइम भी हो गया अपना क्लास का, अभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. ओके, बाय बाय फॉर टुडे.